देश के 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में गुरुवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी, इससे तापमान अचानक गिर गया था। बता दें किन्नौर शिमला सहित कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है। IMD ने उत्तराखंड में शुक्रवार को रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली में लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई, इससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। राजस्थान में पिछले 2 दिन से तेज बारिश के कारण कई जिलों में पानी भर गया है। भरतपुर में स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी कर दी गई है। धौलपुर में भी अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार जारी बारिश से डबरा में बाढ़ से हालात गंभीर हैं। यहाँ 400 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। इस सीजन की मंडला जिले में दर्ज की अभी तक 56.64 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरे नंबर पर सिवनी में 53 इंच बारिश हो चुकी है। डिंडोरी, रायसेन, नर्मदापुरम में 46 इंच और बालाघाट में 45 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है।